अक्सरियत तो मुस्लिम तो हमेशा समाजवादी को देती रही है, लेकिन इस बार काफी 25-30% बीजेपी को वोट देने का काम करेगी इस बार। 25-30% वजह यह है कि सुधाकर सिंह जीतेंगे तो विधायक बनेंगे और दारा सिंह जीतेंगे तो मंत्री बनने की पूरी संभावना है, तो मंत्री काफी काम कर सकता है, विकास का काम कर सकता है। तो विधायक भी क्या करेंगे, वो दोषी वो लखनऊ में बीमार पड़ के सोए रहेंगे, काम तो करेंगे नहीं। तक काम नहीं किए, दो बार विधायक रह चुके हैं। हाँ, कुछ भी नहीं किए, खाली मछली पकाते हैं खूब, अपने वर्करों को खिलाते हैं और बाना करते मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, लखनऊ भर्ती हूँ, ये कहता है। क्या मुस्लिम पसंद नहीं कर रहा है क्या? पसंद कर क्या करेंगे, वो विकास चाहिए ना, वो सिर्फ जीत के अपना आराम करेंगे, काम करेंगे नहीं। सिर्फ उम्मीदवार बना था और समाजवादी के सारे ने नेताओं ने मेरा विरोध किया, कोई मेरा साथी नहीं दिया। जैसे अब समाजवादी जैसे भी लोकल नेता सबने विरोध किया मेरा। नाम अब सुधाकर के पूरा ग्रुप में मेरा विरोध किया था। हाँ, हम लोग विरोध कर रहे हैं। वजी माहौल दारा के पक्ष में है, काफी वोट से जीतेंगे। पहला ये कि हमने समाजवादी पार्टी के सिंबल से जो है सारे अपने 40 बूथ अध्यक्षों के साथ मीटिंग करके हमने नासी जी को सिंबल दिलवाया, हमारे लोगों ने सिंबल दिलवाया और इसमें सारे लोगों की सहमति के बाद भी जो है कुछ ऐसे गद्दार थे जिनकी गद्दारी की वजह से जो है नासी साहब चुनाव हार गए। 3 दिन पहले चुनाव के मतलब चुनाव जिस दिन चुनाव होना था उससे 3 दिन पहले जो है भाजपा और समाजवादी की लड़ाई चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसे गद्दार हैं जो जिन्होंने गद्दारी नासिर साहब के साथ की और उन गद्दारों की वजह से जो है मुझे समाजवादी पार्टी छोड़ना पड़ा। कौन है वो गद्दार? आप जानते ही हैं समाजवादी पार्टी में किसने हमेशा गद्दारी की है, अरशद जमाल से लेकर के, इल्तिहास से लेकर के, नूरानी से लेकर के, और जो है अभी दारा सिंह चौहान जो है चुनाव लड़ रहे थे उसमें भी आप लोग जानते हैं कि किसने विरोध किया, किसने क्या किया। जब नासिर जी लड़े तब भी उन्हीं चेहरों ने विरोध किया, तो उसमें सारे लोग जानते हैं कि गद्दार कौन है। तो दारा सिंह चौहान भी तो सपा से आए हैं। सपा से आए लेकिन आने की वजह है ना, एक मियां में दो तलवार नहीं रह सकती। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जो है जिस भी तरीके से उनको अपने पार्टी में लिया, क्या उस वक्त पार्टी को मालूम नहीं था, सुधाकर सिंह को मालूम नहीं था कि समाजवादी में आए हुए हैं दारा सिंह चौहान, तो ये क्या हो रहा है? अपने मुखिया से पहले पूछना चाहिए था कि उनको क्यों लाया गया। उनको मधुबन का टिकट ऑलरेडी जो है दे दिया गया, उन्होंने दारा चौहान को जो है शुभकामनाएं दी, जब वहां उनकी गद्दारी की वजह से वहां उनका जबरदस्त विरोध हुआ उसके बाद उनका टिकट।